पापा यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, आई लव यू, मिस यू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। फिर से आप सब लोगों का दिनेश थॉल ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज आज है 18 जून। 18 जून को बनाया जाता है फादर्स डे। फादर्स डे बनाया जाता है। पापा यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, आई लव यू, मिस यू पापा। तो गाइज हमारे लाइफ में ना सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है माँ पापा का। इनकी ना जीते जी कदर करनी चाहिए, जीते जी इनका आशीर्वाद देना चाहिए। देखो आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। अगर एक जिंदा सांप मिल जाए ना, उसे मारने के लिए हर कोई चला जाता है। अगर जिंदा सांप दिखाई दिया ना, उसे मारने के लिए हर कोई चला जाता है। अगर वही सांप अगर पत्थर का होना, उसे हर कोई पूछता है। इसीलिए माँ पापा मर जाते हैं ना, तो उनकी एक फ़ोटो बना के उसमें वो माला चढ़ा के ना, उसे रात दिन पूजा जाता है। और जीते जी उनकी कदर ही नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसके पास भी माँ पापा हैं ना, उनकी जीते जी पूजा करिएगा, उनके जीते जी आशीर्वाद लीजिएगा, उनको कभी दुख ना मिले। एक बात और बताता हूँ ना, कभी जब हमें ठोकर या चोट लगती है, कभी हमें जब ठोकर या चोट लगती है, तो हमारे मुँह से क्या निकलता है? ओ मम्मी, ओ माँ, यही तो हमारे मुँह से निकलती है ना। और जब हम लोग किसी सड़क पर चलते हैं और अचानक से सामने से गाड़ी आई और मुंह के पास आके उसने ब्रेक लगाया, तो हमारे मुंह से अचानक से क्या निकलेगा? बाप रे, वहाँ पे तो नहीं निकला ना उम्मा। देखो क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ था, जिस संकट में हमने किसको याद किया? अपने पापा को। और हमारे मुंह से क्या निकला? बाप रे। इसलिए छोटे छोटे संकटों के लिए ना माँ होती है, और बड़े बड़े संकटों के लिए पिता। पिता एक बट वृक्ष की तरह है, जिसके शीतल छांव के नीचे पूरा परिवार सुख रहता है, खुश रहता है। और इसी में मैं दो लाइनें। बड़ी मेहनत से कमाते हैं, हर दिन पड़ता उनके हाथों पे छाला है। बड़ी मेहनत से कमाते हैं, हर दिन पड़ता उनके हाथों में छाला है। कोई राजा तो नहीं है मेरे पापा, पर यकीन मानो उन्हें मुझे राजकुमार की तरह पाला है। डियर पापा, पापा का होना भी सबसे बड़ी ताकत है यारो हमारे लिए। पापा का होना भी सबसे बड़ी ताकत है यारो हमारे लिए। मुश्किलों की धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो ना, मुश्किलों की धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, वो छांव बनकर हमेशा हमारा सहारा बन जाते हैं। दिन चाहे अच्छे हों या बुरे, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जब तक पिता हैं तब तक बच्चे बेफिक्र रहते हैं। देखो पिता ही एकमात्र ऐसा इंसान होता है जो हमारी तरक्की से कभी नहीं जलता है। वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बने। तो गाइज अब मैं चलता हूँ यहाँ से दीपांशु लोगों के कमरे में। आज दीपांशु का बर्थडे है, तो इसलिए अभी मेरे को कॉल आया हुआ था कि यहाँ आना करके, और वहाँ चलता हूँ। आज बर्थडे बना रहे होंगे शायद, इसलिए कॉल आया हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ वहाँ पे, बर्थडे है बानिश का, बर्थडे विश करके आता हूँ। तो आप लोग बने रहें मेरे वीडियो में, और चलता हूँ यहाँ से। दीपांशु कहाँ है? दीपांशु कहाँ है? आते 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 खोलने लग गए इसको। वीर जी दीपांशु हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सब कहाँ गए थे? मम्मी मम्मी किसके साथ? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ स्कूल गए थे? हाँ। आज भी? आज नहीं गए थे। आज क्या है? छुट्टी है, पेपर। छुट्टी है आज? हाँ। पेपर चले हुए? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार की बातें को करे पिता पैमाने सुआ लगे
ये है पूरी उसको भी लगा भाई हाँ लकी की मम्मी ने और मैं लकी की मम्मी तो गाइस केक कट हो चुका है और डांस वगैरह भी हो गया अब जाके चल रहा है खाना यहाँ पे डिनर क्योंकि भाई यहाँ पे करने लग गए हैं ये रहा हमारा छोटा भाई तो गाइस अब हम भी डिनर कर लेते हैं डिनर में आज बना के छोले और पूरियाँ लकी पुत्र है तू भी कर रहा है क्यों तो गाइस डिनर कर लेते हैं अब हम लोग जल्दी से तो गाइस डिनर भी हमारा हो चुका है और आज का व्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू व्लॉग पे तब तक के लिए टाटा बाय बाय।